आनंद मोहन जी को चाहने वाले हैं। सभी लोग इस आशा और उम्मीद के साथ हैं कि आनंद मोहन जी जल्द से जल्द बाहर निकले। इंसानियत के नाते सरकार इस पे संज्ञान ले और जल्द से जल्द आनंद मोहन जी को जेल से बाहर निकाले। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार से, जहां पर आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के एक बार फिर से जो है आवाज तेज हो रही है और अब पूर्व सांसद लवली आनंद और साथ ही साथ आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने इसकी मांग की है। इन लोगों का कहना है क्योंकि कोरोना का संकट आम लोगों के साथ साथ जेल में बंद जो बंदी हैं उन पर भी है। आनंद मोहन ने 14 साल के आसपास की सजा जेल में काट ली है, ऐसे में उनको जेल के बाहर रिहा करना जाना चाहिए ताकि उनकी जान को बचाया जा सके, क्योंकि वो लगातार जेल के अंदर एक बड़े खतरे के अंदर में है। क्या कुछ कहना है लवली आनंद और चेतन आनंद का, छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। आज आप सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से, मतलब लगभग 14 साल हो चुके हैं आनंद मोहन जी को जेल में और इतने दिनों में अभी तक उनको एक पेरोल भी नहीं मिला है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे नाना जी का भी जो है देहांत हो गया। आज नकबाल भी था, नकबाल में भी जो है पेरोल नहीं मिल पाया। और साथ ही साथ ये भी हम कहना चाहेंगे कि मेरी दादी माँ जो हैं उनका आज 98 साल की हो चुकी हैं वो, मतलब, और अब उनको करोना भी है। तो ऐसे में आनंद मोहन जी का बाहर आना पूरे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको याद दिला दूं कि 2020 के जनवरी में महाराणा प्रताप पुण्यतिथि में जो है ये नीतीश जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है ये बात बोली गई थी कि आनंद मोहन जी उनके मित्र हैं और वो कुछ करेंगे इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जब कोरोना महामारी हो रखी और किसी का कब क्या हो जाए, सब पूरी दुनिया सशंकित है, भारत खास करके जिस हालात को हम लोगों को देखना पड़ रहा है, जो हालात में हम लोग जी रहे हैं, किसके साथ कब क्या हो जाए, ऐसे ऐसे समय को देखते हुए, खास करके क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये आया है आदेश कि मतलब कैदियों के ऊपर विचार करना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि 65 प्लस मेरे पिताजी हो चुके हैं और उनको जल्द से जल्द जो है सरकार उनको निकालने में निकाले और जल्द से जल्द हम लोग के बीच में आनंद मोहन जी आ सकें, ऐसी आशा और उम्मीद है हमारी। सभी को, हमारे जितने लोग हैं, जितने आनंद मोहन जी को चाहने वाले हैं, सभी लोग इस आशा और उम्मीद के साथ हैं कि आनंद मोहन जी जल्द से जल्द बाहर निकलें। आज लगभग 14 साल से आनंद मोहन जी निर्दोष होते हुए भी जेल के अंदर हैं और उनका 65 प्लस एज भी चल रहा है। अब सब लोग जान रहे हैं कि किस तरह का ये कोरोना महामारी है, पूरे देश दुनिया में फैला हुआ है और इसके चपेट में कौन कब आ जाएगा, सभी लोग सशंकित रहते हैं। एक से एक महानुभाव, एक से एक राजनेता, एक से एक खिलाड़ी इस कोरोना के चपेट में चले गए और आज जब सुप्रीम कोर्ट का, इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि सरकार को कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया है, जबकि आनंद मोहन जी को एक बार भी पेरोल भी नहीं मिला है, नहीं लिए हैं, तो हमारा ये आग्रह है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें, क्योंकि आप जान रहे हैं सब बात को। पिछले बार भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमें भी उनकी चिंता है, हमारे हैं साथी, तो उन्हें संज्ञान लें, सरकार संज्ञान लें और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें। आप लोग को मालूम होगा कि मेरे पिताजी जो 101 वर्ष के थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी राह देखते हुए, आनंद मोहन जी का राह कि कब वो निकलेंगे, वो गुजर गए। आज उनका नखवाल भी है, उसमें भी शरीक नहीं हो सके। आप जान रहे हैं कि मेरी बूढ़ी सास जो 98 ईयर की है, उन्हें कोरोना हो गया है और इस स्थिति में अब एक माँ पर क्या बीत रहा है, बेटे पर क्या बीत रहा है, परिवार पर क्या बीत रहा है, एक इंसानियत के नाते सरकार इस पे संज्ञान ले
और जल्द से जल्द आनंद मोहन जी को जेल से बाहर निकालें।